हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। सो इस वीडियो में हम बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल प्रूडेंट स्टडी पे मिल जाएगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में पासवर्ड आपको कैपिटल में लीगल प्रूडेंट स्टडी लिखना है विदाउट एनी स्पेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड गो थ्रू द सिलेबस। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट लिंक्स हैं कंसर्न प्लेटफॉर्म का, उस पर क्लिक करके आप मेरे सोशल मीडिया चैनल और प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड काइंडली सब्सक्राइब इस चैनल। सो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्जाम। ये थ्री स्टेज में आपको एग्जाम होता है, एक प्रिलिमिनरी स्टेज, देन रिटन एग्जाम, देन इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, रिटन सब्जेक्टिव टाइप होता है, देन इंटरव्यू। ओके, सो प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको टू पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज एंड लॉ। ईच पेपर कंसिस्ट 100 मार्क्स, आपको टू आवर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, अगर निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, एक क्वेश्चन वर्क मार्क का है, निगेटिव मार्किंग है। अगर आप निगेटिव करते हैं तो आपको करेक्ट मार्क्स में से 0.25 फॉर इच निगेटिव इनकरेक्ट ऑप्शन के लिए डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, सो ये रहा आपका मेंस एग्जाम के पैटर्न का सिलेबस। जनरल स्टडीज 100 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 100 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क्स, इंडियन प्रिनल कोड्स जो पहले था अब नाउ भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गया है, जो 1 जुलाई 2024 से इन्फोर्स में है। सो अगर कंसर्न अथॉरिटी नोटिफाई करती है कि हाँ, अगर इस पर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भारतीय न्याय संहिता रखेंगे या फिर इंडियन प्रिनल कोड, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आपको एग्जैक्ट बता दिया जाएगा अगर कुछ चेंज होता है तो, बट आप गो थ्रू सिलेबस में एक बार देख लीजिए क्या क्या मेन मेजर सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं एपीओ के एग्जाम में। सो सेकेंड है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ए 150 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का समय मिलेगा। सिक्स है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, अब हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, 150 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का समय मिलेगा। अदर्स लॉज जो कवर करेंगे सेम 150 मार्क्स, 3 आवर्स, टोटल 900 का मेंस का एग्जाम होता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ए टोटल नंबर ऑफ 7 पेपर्स विल बी कंडक्टेड एंड ड्यूरेशन होगा फॉर 3 आवर्स ईच पेपर्स विल बी प्रोवाइडेड। ओके, अब प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस को गो थ्रू करते हैं। पहला पेपर है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में आपको जनरल साइंस ऑन एवरीडे लाइफ, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे जो भी हैं मेजर सब्जेक्ट्स जनरल स्टडीज में आपको कवर किया गया है। ठीक है, सेकेंड पेपर है प्रिलिमिनरी एग्जाम में लॉ का पेपर। ठीक है, तो फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन प्रिनल कोड, जो अभी भारतीय न्याय संहिता हो गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नाउ हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, नाउ कम टू द मेंस पार्ट। जनरल स्टडीज में दिस पर्सन विल बी फ्रॉम द बिलो टॉपिक्स, करेंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल जनरल साइंस, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एलेंस फीचर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंडियन कल्चर, मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार एंड इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम, मेजर चेंजेस इन बिहार्स इकोनॉमी ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडियन पोलिटिकल सिस्टम, इंडिया द स्टेट सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। हिंदी लैंग्वेज में आपको द लेवल ऑफ दिस पार्ट इज द सेम दैट ऑफ द हिंदी कंपल्सरी पेपर दैट स्टूडेंट्स स्टडीज फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन कमिटीज सेकेंड एग्जामिनेशन। दिस पेपर इज
इंटेंडेड टू एवेल्युएट द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए कैंडिडेट इन हिंदी लैंग्वेज. द सिलेबस ऑफ द हिंदी लैंग्वेज विल बी एज मेंशन बिलो. ग्रामर रहेगा, ऐसे राइटिंग रहेगा, सिंटेक्स रहेगा, ठीक है. अब इंग्लिश पार्ट, जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्पेसिफिक सिलेबस है, ऐसे राइटिंग, समरी राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, ठीक है. द पेपर इंटेंड टू चेक द जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन द सब्जेक्ट. ए पैसेज और पैसेजेस विल बी यूजुअली सेट फॉर समरी ए प्रिसाइज. दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स. आपको चार जो मेन हेड्स हैं, ऐसे राइटिंग, समरी राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग्स, ठीक है. नाउ इंडियन पिनल कोड है जो अब लॉ का पार्ट्स है. इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC जो अब हो गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रेस्पेक्टिवली एंड अदर्स लॉज में कुछ कवर किए जाएंगे, ठीक है. जैसे कि आर्म्स एक्ट्स, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट्स, ठीक है. ये सारे जो पैटर्न है, ये पटना यूनिवर्सिटी जो है उसी ग्रेजुएशन लेवल का पैटर्न रहेगा, ठीक है, जो लॉ पार्ट का है. और द थ्री लॉज दैट इज BNS 2023, BSA 2023, BNSS 2023 आर सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबिलिटी इन सिलेबस बाय द कंसर्न अथॉरिटी. नाउ कम टू द इंटरव्यू पार्ट्स. द इंटरव्यू विल बी ऑफ 100 मार्क्स. द मार्क्स ऑब्टेंड इन दिस STS विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट. ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर्ड एटलीस्ट 35% मार्क्स इन द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ सिलेबस ऑफ बिहार APO's एग्जाम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड यू मे ऑल्सो फॉलो दिस प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विथ योर लीगल नॉलेज. Thank you so much for watching. Thank you.